फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 15 या 16 तारीख को आ रहा है प्री मेडिकल वालों का, कंप्यूटर वालों का ऑलरेडी आ चुका है। अभी आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि आपके कितने पेपर पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। तो मेरे भाई 6 के 6 पेपर पास होते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब परसेंटेज आती है किसी की 57, 59, 63, वो इम्प्रूवमेंट का अक्सर सोच रहे होते हैं। मेरा मशवरा क्या होता है कि मेरे भाई अगर सारे पेपर रुके क्लियर हुए और परसेंटेज 60 से ज़्यादा है, तो इम्प्रूवमेंट के बजाय मैं आप सेकेंड ईयर दे दो, फिर उसके बाद भले आप इम्प्रूवमेंट देना। अल्लाह न करे क्या हालात हो कि आप फंस जाओ और बाद में इंटर कर ही नहीं पाओ। हाँ, रिपीटेशन कब करनी चाहिए? जब पेपर रुक जाए। मैं तो कहता हूँ एक पेपर भी रुक जाए तो फर्स्ट ईयर रिपीट कर लें, लेकिन 2 या 3 रुके तो लाजमी करें। अब 3 पेपर रुक जाते हैं लोगों के, मैंने अक्सर देखा, वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं। मेरे फर्स्ट ईयर में क्या रुके? मैथ्स एंड केमिस्ट्री। अच्छा, मैथ्स एंड केमिस्ट्री रुक गए, और अब क्या करो यार? सेकंड ईयर करो। अरे मेरे भाई, ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करो। परसेंटेज बुरी हो जाए कोई बात नहीं, पाकिस्तान है, सब हालात सबको पता है, कराची बॉर्डर की क्या है। अब सेकेंड ईयर पूरी मेहनत से पढ़ो, अच्छी परसेंटेज ले आओ, फर्स्ट ईयर का बाद में इम्प्रूवमेंट दे दो। लेकिन अगर पेपर 1 से ज़्यादा रुक जाए, 2 या 3, तो रखो कभी भी सेकेंड ईयर में एडमिशन मत करो। दूसरी बात, मैंने जो एक वीडियो डाली थी कराची यूनिवर्सिटी की, तो ऑफकोर्स फूड एंड साइंस में 86-87 जो जा रही है मेडिकल की, इंजीनियरिंग की अराउंड 83-84 के आसपास जाने का इम्कान है। और मेरे भाई अभी तक तो यही इतला है कि 20 तारीख के आसपास है, मतलब जो मैं फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, हो सकता है उससे एक आध दिन पहले भी आ जाए। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा।